जाना पड़ेगा, तो पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा। खुल जा सिम सिम। ओह माय गॉड, काकरा बोलते हैं इसको। हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने काल की ब्लॉगिंग तो देखे होंगे, जो जो देखे हो तो सबको पता है कि मतलब तब बहुत रात हो गया था यार, क्या बोलूँ मैं, मतलब तकरीबन 1 बज गया था तब हम लोग आए घर, और उसके बाद में मतलब सो गए तो 6:30 बजे में उठा मैं, तो उसके बाद में मतलब उस ब्लॉगिंग को एडिट वगैरह करके फिर छोड़ दिया, ठीक है। आज मतलब आज शुक्रवार है तो आज मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है, उस ब्लॉगिंग को शुक्रवार को छोड़ा। जैसे कि मतलब सिर थोड़ा दुख रहा है क्योंकि मतलब उतना रात तक मतलब मेला घूमना, इसलिए मतलब सिर थोड़ा दुख रहा है और आंखें थोड़ा मतलब क्या बोलूँ टिप 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 करता है। तो चलते हैं फिर भी ब्लॉगिंग शूट करते हैं अभी, ठीक है। और हाँ, जैसे कि दोस्तों मैं मतलब मैं तो वही ड्रेस पहन चुका हूँ जैसे कि जो मेला में घूमा था, अभी मतलब उसको चेंज करूँगा नहाने के बाद। और इधर जैसे कि मेरे मम्मी मतलब मेरी दुकान भी मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मेरी मम्मी सतना के पास है, ठीक है, सतना के पास मतलब सीटो मतलब हम सीटो बोलते हैं उसको, तो वही बनाएगा। और भी देखते हैं, जैसे कि दोस्तों पापा इधर ठीक है पूजा कर रहे हैं, तो पूजा मुझे भी करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हो कि भाई आप पूजा क्यों नहीं करते हो, तो हाँ यार आज मैं पूजा करूँगा, ठीक है, सबको पूजा दिखाऊँगा दोस्त। ऐसा नहीं कि मैं पूजा नहीं करता, हर दिन करता हूँ। सुबह सुबह जो है पप्पा मतलब मछली मारने गया था तो इसी जाल से, तो पप्पा मतलब अभी जाल को सुखाने दिया, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैं बाहर पर आ चुका हूँ और अभी देख सकते हो मतलब गाड़ी वगैरह उतना नहीं जाते हैं यार सुबह के टाइम में, मतलब अभी सुबह के 7:30 बज चुका है, ठीक है। और जैसे कि दोस्त मतलब दादी भी उठ चुका है, ऐसा नहीं कि दादी नहीं उठा, दादी उठ चुका है। और इधर मतलब दादी और दादी भाभी से बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं मतलब घर पर आ चुका हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मतलब जैसे कि पहले वाली जो आप लोगों ने ब्लॉगिंग देखा, ठीक है, तो मतलब आज भी फिर से मैं मेला वगैरह में जाऊंगा घूमूंगा, लेकिन आज थोड़ा मतलब दूर जाऊंगा क्योंकि कल उतना खास करके आप लोगों को देखा नहीं पाए, ठीक है। तो आज जल्दी जाएंगे तो बहुत कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। फाइनली दोस्तों जैसे कि मेरा पूजा कंप्लीट हो गया और नहा भी लिया मैंने, इधर आप लोग देख सकते हो मेरे पापा, ठीक है, मतलब केला और मूरी माख कर सान कर खा रहे हैं, ठीक है, शायद लगभग खाना हो गया और मुझे भी भूख लग गया यार, क्या बोलूँ, मतलब देखकर ही मुझे भूख लग गया। दादी भी इधर खा रहे हैं यार। तो जैसे कि दोस्तों अभी मैं ड्रेस वगैरह लगा लिया, ठीक है, और हाथ में मैं वॉच भी पहन लिया, तो हाथ में थोड़ा मतलब बहुत ही जच रहा है मेरा वॉच, ठीक है, तो चलते हैं। और जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ दिखाना बाकी है, ठीक है, मम्मी ने मुझे बोला तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को कुछ दे, रुको जरा खोलती हूँ यार, खुल जा सिम सिम। वाओ, तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो क्या है। ओह माय गॉड, दोस्तों देखा आप लोगों ने कि मतलब क्रैब है, काकरा बोलते हैं इसको, एक काकरा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो काकरा है, ठीक है, तो पापा लाए थे कल बाजार से खरीद के, तो मतलब खाने में जो है ना उसको बहुत ही अच्छा लगते हैं, तो कौन कौन खाते हो यार तो कॉमेंट में आप लोग बताना, ठीक है। और जैसे कि अभी मैं खाना खाऊंगा उसके बाद दुकान जाऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों मतलब मैं दुकान पर तो आ चुका हूँ, दुकान भी खोल चुका हूँ, और जैसे कि आज तो उतना भीड़ नहीं है, ठीक है, तो आज तो उतना भीड़ नहीं है क्योंकि आज दशमी है, तो जाएंगे मालिक
अभी आएगा तो उसके बाद मैं फिर घर जाऊंगा और मिला जाऊंगा। तो आप लोग देखते रहना थोड़ा, बोलो को इनको यार। तो जैसे कि फाइनली दोस्तों मैं मतलब घर पर आ चुका हूँ अभी दुकान से। तो मतलब अभी मैं मतलब थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर ड्रेस व्रेस लगाऊंगा, आप लोग देखना दोस्त लास्ट तक मेरी इस ब्लॉगिंग को। और आज मेला होगा हमारे इधर, तो मेला भी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। देख दोस्त, जैसे कि मतलब मैं पूरा ड्रेस वगैरह लगा लिया तो अभी जाऊंगा मेला पर। तो यार ब्लैक ड्रेस ब्लैक पैंट में मतलब कैसा लग रहा हो दोस्त, प्लीज कमेंट करना। और मतलब वॉच तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्त। जैसे कि दोस्तों मतलब हम सभी लोग जाएंगे अभी मेला पर घूमने, ठीक है। तो आप लोग देखते रहना लास्ट तक और मेला में चलो, हम लोग भी एंजॉय करेंगे और आप लोग देखना, ठीक है दोस्त। जैसे कि दोस्तों अभी मतलब गाड़ी में पेट्रोल डालवाने आया है, ठीक है, क्योंकि यार बहुत दूर जाना पड़ेगा तो पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा, तो डलवा लेते हैं पहले, ठीक है दोस्त। 300 रुपया का दे दो यार। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने मतलब गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, तो अभी निकल रहे हैं मेला के लिए, ठीक है। तो जैसे कि फाइनली दोस्तों मतलब हम लोग मतलब घूमने आए हैं, ठीक है, मतलब किसी के घर आए हैं। तो जैसे कि मेरी भागना का कुछ लगेगा, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे आप लोगों को, इतना ही दिखाऊंगा। तो डायरेक्ट इस बार मेला पर, ठीक है दोस्त। Thank you.
यार, जैसे कि आप लोग देखकर ही पता चल गया आप लोगों को, शायद आप लोग देख सकते हो मेला में घूम के यार क्या जानते हो, पसीना पसीना हो गया यार, मेरा ही नहीं सब किसी का। तो जैसे कि यार पेट्रोल पंप पर आया हूँ क्योंकि पेट्रोल डलवाना है, तो आप लोग देख सकते हो कितना भीड़ है यार। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ लग चुका है, तो हम अभी साइड पर हूँ मैं, ठीक है। तो ये पेट्रोल पंप है यार, जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं टुंगी दीघी पर, तो देख सकते हो बहुत सारे पटना और मतलब अंधेरा है इधर, ठीक है। तो चलते हैं मेला में घूमते हैं और आप लोग भी देखना और इंजॉय करना। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ है यार मेला पर, ठीक है। तो देख सकते हो इतने सारे लोग हैं, मतलब क्या बोलो यार, पसीना पसीना हो चुका हो यार, सभी लोग हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग मंडप के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, आप लोगों को भी दिखाएंगे दोस्त, ठीक है।
दोस्तों मतलब अंदर में था तो बहुत ज्यादा गर्मी था, इधर आ गया ठीक है बाहर पर, अभी अभी मतलब सुकून मिला, क्या बोलूं। जैसे कि फाइनली दोस्तों मतलब काल बहुत रात हो चुका था, तो मतलब शायद डेढ़ बज चुका था, इसीलिए मैं घर आया। तो मतलब काल तो ब्लॉगिंग एंड नहीं कर पाए, तो इसीलिए दोस्त आज कर रहा हूँ। आज की ब्लॉगिंग इतना ही रखता हूँ, तो नेक्स्ट ब्लॉगिंग के लिए बाय बाय।